So, दोस्तों मैं आ गया हूँ माय मास्टर स्टडी डी के एपिसोड 8 के साथ से। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने जैसा कि देखा था कि हमारे हीरो ने लियू लिंगलिंग को कुछ गोलियां दे दी थी, अपनी उस सुंदरता बढ़ाने वाली गोलियां। एंड उसके बाद हमारा हीरो अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा था। कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद हमारा हीरो को कुछ ना कुछ आ जाता है। एंड उसके बाद जब वो अपने कमरे में बैठा था तभी अचानक उसे लियू लिंगलिंग का मैसेज आया था, जिसमें उसने बताया था कि मैंने तुम्हारी गोलियों के बारे में अपनी फैमिली को बताया, उसके बाद मेरे जो पापा हैं वो तुमसे मिलना चाहते हैं, सो क्या तुम आ सकते हो। और इस एपिसोड की शुरुआत में मस्त हमें दिन का सीन दिखाया जाता है और उसके बाद हम एक कार को बड़े ही फास्ट तरीके से चलते हुए देखते हैं। एंड हम देखते हैं कि हमारा हीरो एंड एक बुड्ढे अंकल उसमें बैठे हुए हैं। अंकल बोलते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस्टर यांग जिन्होंने सुंदरता बढ़ाने वाली गोली बनाई है वो इतनी छोटी उम्र के होंगे। मैं सच में ये देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ। एंड उसके बाद हमारा हीरो बोलता है, मैंने इसमें बस उसी रेसिपी का इस्तेमाल किया है, उसी तरीके का इस्तेमाल किया है जो मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे सिखाया था। आप तो कुछ मेरी ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो एक घर की तरफ देखता है। एंड वो सोचता है, मैं पहले से जानता था कि जो लियू लिंगलिंग का घर है वो एक फैमिली बिजनेस करता है, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि जो वो शहर के सबसे ज्यादा शानदार बंगलों में से एक में रहती होगी। ये सब देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि लियू फैमिली का बिजनेस उससे बड़ा है जितना मैंने सोचा था। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो कार घर के उस दरवाजे से अंदर आ जाती है। एंड उसके बाद जो वो अंकल है वो बोलते हैं, हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं मिस्टर यांग। एंड उसके बाद हमारा हीरो कार से अपना पैर नीचे की तरफ रखता है। एंड उसके बाद वो घर को देखकर सोचता है, इतना शानदार बंगला है। और तभी अचानक हम लियू लिंगलिंग को देखते हैं जो कि काफी अच्छी ड्रेस पहने हुए हैं। एंड वो खुद आई है हमारे हीरो को रिसीव करने के लिए। एंड अपने हीरो को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, बोलती है कि यून। लेकिन उसके बाद जब वो हमारे हीरो के पास आती है तो वो अजीब टाइप की हरकतें कर रही होती है, बोलती है तुम कितने धीरे देर से आ रहे थे, हाँ तुमने आने में कितनी देर कर दी। एंड उसके पीछे हम कुछ लोगों को देखते हैं, वो दोनों तो उसकी दोस्त होती हैं लड़कियां, लेकिन ये लड़का कौन है जो काफी ज्यादा गुस्से में है। एंड ये सब देखकर हमारे हीरो को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर कहीं मैं फंसने तो नहीं वाला ना। एंड उसके बाद जो लिंगलिंग है वो हमारे हीरो का हाथ पकड़ लेती है कुछ गर्लफ्रेंड वाले अंदाज में। एंड बोलती है, मैं तुम्हारा बहुत ही टाइम से इंतजार कर रही थी, सच में तुमने बहुत ज्यादा देर कर दी। हमारा हीरो बोलता है, अच्छा, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि ये वो वक्त था जब हमारे हीरो को एहसास हुआ कि ये लड़की बिल्कुल भी अच्छे तरीके से बिहेव नहीं कर रही है, कुछ ना कुछ ताल में काला है। एंड उसके बाद हम एक लड़के को उसकी तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्से में आता हुआ देखते हैं, भाई इतना ज्यादा गुस्से में आता हुआ देखते हैं, उसके सूट में से आग निकल रही है। सो उसके बाद हमारा हीरो लियोलिंग से पूछता है कि क्या तुम मुझका मेरा इस्तेमाल कर रही हो वहाँ किसी सिचुएशन में फंसने से बचने के लिए। वो बोलती है, मैंने आज इन सभी से ये कहा है कि लिन हुआन, शियाओ बे और अब तुम सभी मेरे लवर्स हो, और मुझे ये पता नहीं था कि यहाँ पर ये परेशानी खड़े करने वाला लड़का भी होगा। एंड उसके बाद लियू लिंगलिंग बड़े प्यार से बोलती है, सच में मैं उसके बारे में बिल्कुल भी फिक्र नहीं करती, अब जब वो यहाँ पर आ गया है तो मैं क्या करूँ, हमें इस नाटक को जारी रखना पड़ेगा, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन तभी जब वो लड़का आता है तो शायद से वो हमारे हीरो को धक्का मार देता है। एंड बोलता है, भले ही तुम मुझसे प्यार करो या ना करो लिंगलिंग, लेकिन तुम्हें इस तरीके के किसी भद्दे लड़के से तो नहीं करना चाहिए, तुम एक बार इसकी तरफ क्यों नहीं देखती, तुम्हें आखिर किस एंगल से ये कुत्ता कमीना मुझसे बेहतर लगता है, हाँ तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो है ना कि तुम्हें ये लड़का पसंद है। सो लिंगलिंग बोलती है, देखो 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 कौन बोल रहा है, तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, समझे तुम। सो हमारा हीरो कतई मस्त अंदाज में, रोमांटिक अंदाज में बोलता है, इतना गुस्सा मत करो मेरी जान, उस पिद्दू ने मुझसे जितनी भी बातें कही उनका मेरे लिए कुछ मतलब नहीं है, तुम्हें अपने मूड को खराब नहीं करना चाहिए ऐसे पागलों के लिए। एंड ये देखकर जो वो दूसरा आदमी है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी सभी के सामने इस तरीके से बेइज्जती कर रहे हो और उसके बाद तुम यहाँ से जिंदा जा पाओगे। एंड वो भाई खतरनाक पंच मार रहा होता है हमारे हीरो की तरफ। सो हमारा हीरो लिंगलिंग को खुद से दूर हटा देता है। सो लिंगलिंग उससे बोलती है, जरा संभल कर हो याओ एक मार्शल आर्ट के स्कूल से आया है। अच्छा तो दोस्तों इस लड़के का नाम हो याओ है। सो हम देखते हैं कि हमारा हीरो उसके पंच से बच जाता है। एंड वो सोच रहा होता है कि उस वुशन इंडक्शन आर्ट से पढ़ने के बाद इंसानों के अटैक्स हैं और उनकी ताकत है वो मुझे बहुत ही कम लगने लगी है। एंड उसके बाद जो हो याओ है वो बोलता है, बहुत अच्छे तुम मेरे अटैक से बच गए, हाँ अब मुझे समझ में आया कि आखिर लियू लिंगलिंग तुम्हें पसंद क्यों करती है, लेकिन अब वो तुम्हें पिटता हुआ देखने वाली है कि कितने बुरी तरीके से मैं हाओ याओ तुम्हें पीटने वाला हूँ। सो हमारा हीरो उसमें एक मामूली सा थप्पड़ मार देता है। एंड वो तो डर गई, मजाक कर रहे हो क्या, बड़ी बड़ी बातें करना बंद। हम देखते हैं कि हमारे हीरो का वो एक पंच बहुत ज्यादा पावरफुल, वो याओ का तो चेहरा ही खराब हो गया। एंड दोस्तों ये देखकर तीनों लड़कियां लियू लिंगलिंग, शियाओ बेई, लिन हुआन काफी ज्यादा हैरान थे कि भाई ये इतना ताकतवर है क्या। एंड उसके बाद जो हो याओ है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है, आखिर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो की कैसे, मुझे तो मेरे पापा ने भी आज तक नहीं मारा। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो बोलता है,
तुम सभी बच्चे अभी तक अंदर नहीं आए और आखिर तुम लोग वहाँ पर क्या कर रहे हो, हाँ इतना शोर क्यों मचा रहे हो। एंड हमें पता चलता है कि दोस्तों ये है लियू लिंगलिंग के पापा लियू शानहाई। सो तभी अचानक वो सभी उनकी तरफ देख कर बोलते हैं हेलो अंकल लियू। वो दोनों लड़कियां भी बोलती हैं कि हेलो अंकल लियू। लियू लिंगलिंग बोलती है कि क्या पापा। हमारा हीरो उन्हें देखकर सोचता है मैंने ये सब इग्नोर कर दिया कि वो ऊपर से सब कुछ देख रहा है और अब मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि मैं किसी बड़ी मुसीबत में न पड़ गया हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो हमें देखना चाहता था और मेरा परीक्षण करना चाहता था पहले। ये पर्सन सच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी घर के अंदर जाने लगते हैं। एंड जो हो याओ है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में हमारे हीरो की तरफ देख रहा था। हमारा हीरो से देखकर सोच रहा था ये बहुत ज्यादा मुसीबत खड़ी करने वाला है मेरे लिए क्या। लेकिन इससे ये बात समझ में नहीं आती कि हम दोनों के बीच जो पावर डिफरेंस है वो कितना बड़ा है। मुझे समझ में आ रहा है कि जो लियू लिंगलिंग है वो उसे पसंद क्यों नहीं करती। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो लियू लिंगलिंग के पापा हैं वो सभी को खाने की टेबल दिखाकर बोलते हैं आज बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि आज यहाँ पर सभी लोग मेरे मेहमान बनकर आए हैं। सो आप लोग जितना चाहो उतना खा सकते हो और जैसे चाहो वैसे खा सकते हो। एंड उसके बाद लिंगलिंग के पापा अपना सूट उतार कर बूढ़े अंकल को दे देते हैं। उसके बाद वो सभी लोग खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं अपनी अपनी कुर्सियों पर। एंड उसके बाद लिंगलिंग के पापा हमारे हीरो से बोलते हैं तुमने मेरी बेटी की मदद की उसके चेहरे का पिंपल हटाने में। सो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें किसी बाहर वाले की तरह ट्रीट नहीं करूंगा और इसी वजह से मैंने आज तुम्हें यहाँ खाने पर बुलाया और मैं इस तरीके से तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सो हमारा हीरो बोलता है मैं उस टाइम पर अपना काम कर रहा था और वो मेरे पास आई। सो मेरा ये काम बनता है कि मैं उसकी मदद करूं। सो लियू लिंगलिंग के पापा बोलते हैं तुम काफी ज्यादा अच्छे माइंडसेट वाले पर्सन हो। मैंने और मेरी बीवी हम दोनों ने तुम्हारी उस सुंदरता बढ़ाने वाली गोली को खाकर देखा है और उसने जो हमारे ऊपर इफेक्ट डाला है वो काफी ज्यादा अच्छा है और तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा अगर तुमने उसे बाजार में बेचना शुरू किया। सो ये सब सुनकर हो या वो बोलता है कहीं आप उस अफवाह के बारे में बात तो नहीं कर रहे हो जिसमें एक गोली के बारे में बताया गया है जो किसी को भी उसकी उम्र से 5 साल छोटा दिखा सकती है। आखिर आपको वो कहाँ पर मिली अंकल लियू। लिंगलिंग ने मुझसे कहा कि उसकी कीमत कुछ भी नहीं है यानी कि वो बहुत ही ज्यादा प्राइसलेस है। सो हमारा हीरो बोलता है वो कुछ ज्यादा ही बोल रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। सो हो याओ फिर हमारे हीरो की तरफ चिड़चिड़ाते हुए बोलता है मुझे भी जरा माफ करना क्या किस मैंने तुमसे पूछा था हा? और क्या तुम इस लायक भी हो कि तुम उस सुंदरता बढ़ाने वाली गोली के बारे में बात भी कर पाओ। हम यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल की हेल्थ पिल के बारे में बात कर रहे हैं जो कि सिर्फ ट्रेडिशनल चाइनीज मास्टर ही बना सकते हैं। और उसके बाद हो याओ बोलता है और सिर्फ हमारे जैसे लोग ही उस गोली को पाने के लायक है और तुम्हारे जैसा आखिर एक मामूली बच्चा जान ही क्या सकता है इन सारी चीजों के बारे में। उसकी बात सुनकर जो शियाओबेई एलिन हुआन है वो हंसने लगती है। और उसके बाद हो याओ बोलता है और यहाँ पर आने से पहले मैंने यांग इयुन के बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश की है। वो एक बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार से आया है। उसके पिता मिलिट्री के में काम करते वक्त अचानक ही गायब हो गए और उसकी बहन और उसके दादी माँ वो दोनों एक दूसरे पर ही डिपेंडेबल हैं घर में अच्छे तरीके से रहने के लिए। और अब तुम्हें अपना खर्चा चलाने के लिए पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ती हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि तुम हमारे साथ यहाँ पर बैठकर खाना खाना डिजर्व नहीं करते हो। लेकिन तभी अचानक लियू लिंगलिंग के पापा चिल्लाकर बोलते हैं कि चुप हो जाओ। सो तभी अचानक वो दोनों लड़कियां काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। एंड उसके बाद लियू लिंगलिंग के पापा बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलते हैं ये लड़का यहाँ पर जो बैठा हुआ है और अब ये मेरा भतीजा है और यही वो इंसान है जिसने सुंदरता बनाने वाली गोली को बनाया है। सो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर क्यों वो एक ही टेबल पर बैठकर हमारे साथ खाना क्यों नहीं खा सकता और मेरे घर में जितने भी लोग हैं वो यांग इयुन के काम से काफी ज्यादा खुश हैं और अगर तुम इसी तरीके से मेरे भतीजे की बेइज्जती करते रहे तो शायद से हो फैमिली के साथ मेरे जो रिलेशंस हैं वो खराब भी हो सकते हैं। अंकल की बात सुनकर हो यान काफी ज्यादा हैरान होकर बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता उस सुंदरता बनाने वाली गोली को बनाने वाले तुम हो इम्पॉसिबल। हमारा हीरो कदाई एटीट्यूड में बोलता है कि सो दोस्तों तुम लोग कमेंट्स में बता सकते हो कि एपिसोड तुम लोगों को कैसा लगा एंड सीरीज कैसी लग रही है। भाई लोग इसे प्यार देना मत भूल जाना समझ गए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक मारो और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब मारो। सपोर्ट मी गाइस और थैंक्स फॉर वॉचिंग। सायोनारा।